और जो वन का बी है इसका आंसर होगा जीरो। तो बी का आंसर है जीरो। देखिए जो ए सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी द 3g/4। ए सेंटर ऑफ मास होगा 3g/4। सेकेंड तो इसमें और है जो N1 है एक जो नॉर्मल है दैट विल बी द 3g/4 आएगा, और सॉरी Mg/4 है Mg/4, और जो दूसरा नॉर्मल है उसका वैल्यू आ रहा है जीरो। एंड थर्ड क्वेश्चन में आ रहा है क्या पूछा गया है आपसे, एक तो डैट विल बी द I+MR² I+MR² ω² डिवाइडेड बाई 2mg sin θ। 2mg sin θ डिस्प्लेसमेंट शायद पूछा है इस क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 4 R इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव में ए का ऑप्शन है F/M, F/M दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू FR/L, FR/L। तो ये है इसका आंसर। कोई पार्ट छूट गया हो तो बताइए, मैच करिए जिन्होंने भी बनाया है। पांच क्वेश्चन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, टॉर्क का एप्लीकेशन था इसमें, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इस बेसिस पर ये क्वेश्चन था। इसमें से कोई पूछना है? पांचों क्वेश्चन हो गए थे क्या सारे के सारे? आंसर मैच कर रहा है? प्रियांशु बनाए हो ना? अदिति ओके, किसमें डाउट है? फोर तीन नंबर, फोर नंबर सब में तो डाउट आ ही गया। सेकेंड FR/I है लास्ट वाला। ठीक है, बाकी सारा आंसर मैच कर गया अदिति? हाँ ये FR/I है। वेरी गुड, सिर्फ फोर का आंसर मैच नहीं किया। थ्री बन गया था क्या? क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके गुड। चलिए देखते हैं, तो प्रियांशु को डाउट है क्वेश्चन नंबर थ्री से। गुड गुड वेरी गुड। प्रियांशु देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा था,
अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्हील है, मतलब ऐसा वेज लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक लगा हुआ है पुली, और इस पुली के साथ कनेक्टेड है ये एक ब्लॉक, करेक्ट, जिसका मास होगा एम, और ये जो वेज है ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। सो अब इसमें ये बोल रहा है कि द व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स एक्सिस इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो व्हील दिया गया है, इस व्हील का जो रेडियस है वो है आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो दिस इज गिवन डेटा। नाउ इंक्लिनेशन इज एंगल थीटा, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द व्हील एंड इट्स फ्री एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम, करेक्ट। तो इसका जो फ्री एंड है वो एक ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है, विच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन इनिशियल, द व्हील इज रोटेटिंग एट स्पीड ओमेगा। तो व्हील का जो स्पीड है दैट इज ओमेगा, ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। सच दैट द ब्लॉक स्लाइड्स अप द प्लेन, हाउ फार विल ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग। तो ब्लॉक कितना दूर जाएगा जब तक ये ब्लॉक जाकर के रुक ना जाए। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इधर के तरफ, दैट विल बी द टेंशन टी, और इसका एक खुद का फोर्स लगेगा इधर के तरफ एम जी साइन थीटा, और एक इसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन है क्या, विच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन इनिशियली, द व्हील रोटेटिंग सच दैट द ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द प्लेन, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव, नो। तो फ्रिक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, फ्रिक्शन है नहीं। अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन लेकिन इसको लास्ट में डिसाइड करते हैं। अब ये हो गया व्हील और इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा टी, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया ओमेगा, और इसका जो रेडियस है डेट इज आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो ये स्टॉप होगा, दैट मींस कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ ए, तो वो एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस पर ए, ठीक है। तो जब हमारे पास ये एक्सेलरेशन ए आ गया तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना दूर ट्रेवल कर सकता है बाय द इक्वेशन ऑफ ओमेगा, सॉरी बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यहाँ से ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए अपने को, ये वेलोसिटी कितना होगा। तो जो इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा इनिशियली, वही वेलोसिटी इस ब्लॉक का भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो जब इसके पास वेलोसिटी वी आ जाएगा, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ए लग रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी जीरो कब होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो हमें दो तीन चीजें इसमें से पता करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये एक्सेलरेशन कितना होगा और ये वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं वी इज इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि इसका वैल्यू दिया गया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और इसका रेडियस है आर, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर इंटू ओमेगा। तो पहला चीज आ गया, अगर ये वेलोसिटी वी है तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू ओमेगा, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ए। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ही होगा, है ना। तो
अब ये एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा? सबसे पहले एनजी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, दिस विल बी इक्वेशन नंबर वन, यहां पर अननोन टी है। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से वो लिख करके आ जाते हैं, यहां पर जो टॉर्क लग रहा होगा डेट विल बी ड्यू टू द टेंशन टी, तो टी इंटू आर ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। अब हम लोग अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट विल बी द ए बाई आर, तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो बनेगा दैट विल बी द ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय आर, तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर थ्री। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री वी कैन राइट पी इज इक्वल पी आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर, सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर में जो टी का वैल्यू आया वो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए, करेक्ट। तो ये जो माइनस साइन है उसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसमें से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, करेक्ट। तो ए इज इक्वल टू यहां से आ गया क्या एम जी साइन थीटा, अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी द होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, यहां से हमारा वैल्यू निकल के आ गया एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है, और इसका वेलोसिटी किधर के तरफ है, ये वेलोसिटी है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस कि ये वेलोसिटी को ये एक्सेलरेशन जीरो करेगा। अब वो कितने देर के बाद जीरो होगा दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू, या फाइनल वाला से कर लेते हैं ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू से, उससे आसान पड़ेगा क्योंकि टाइम तो अपने को पता है नहीं। सो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस नहीं यहां पर माइनस हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 2as। अब चूंकि इसको स्टॉप करना है दैट मींस फाइनल वेलोसिटी अपने को क्या चाहिए, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v स्क्वायर, v की जगह हम लोगों ने क्या माना है r इंटू ओमेगा, सो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे 2as इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट विल बी द इक्वल्स टू द आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला कैलकुलेशन लिखते इधर इधर किसी को कोई दिक्कत है क्या, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस इसमें, ठीक है तो इसको हटा देते हैं और ये कैलकुलेशन आ जाएगा यहां से एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, सो दैट विल बिकम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे ये वाला वैल्यू, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर है तो ये चला जाएगा ऊपर आई प्लस एम आर स्क्वायर,
करेक्ट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से आ जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mg sin थीटा, यही आ रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक है। सो आंसर हमारा ये आ गया, एस इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2mg sin थीटा। किसी को डाउट इसमें? अब देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में तो देने लायक है नहीं, एटलीस्ट आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे ये क्वेश्चन तो छोड़ने में ही भलाई है ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन कराने से एक फायदा हो जाता है कि जब ये आंसर आता है ना बहुत खुशी होती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ वी कैन सॉल्व, यही फायदा है इस क्वेश्चन का कराने का। बाकी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आ भी सकते हैं, आने का कुछ भी आ सकता है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने कैलकुलेशन इतने टफ, अगर आएंगे भी तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। हो गया ये, किसी को डाउट है इसमें? नहीं, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके प्रियांशु, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, एक रॉड है ना, आपको दिया गया है ऐसा एक रॉड है और इस रॉड के एक इंड को स्ट्रिंग से बांध दिया गया। तो ये रॉड के एक इंड को स्ट्रिंग से बांध दिया हमने, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, और इसके एक बीच में किसी पॉइंट को पाइवोट कर दिया गया, मतलब दैट पॉइंट विल बी हिम, सो दिस रॉड विल बी फ्री टू मूव अबाउट दिस पॉइंट, और एक पॉइंट पर स्ट्रिंग की जगह यहां पर स्प्रिंग लगा दिया गया कुछ इस तरह से, ये बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग इस पे लग गया। सो एनी फॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg, तो ये ए बी रॉड है और इसका मास है कितना, 2 kg, मास दे दिया। नेक्स्ट क्या है, एंड लेंथ 1 मीटर, एम इज प्लेस्ड ऑन, सॉरी एल इज इक्वल टू 1 मीटर इज प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट सपोर्ट पी सच एज ए इज इक्वल टू 0.4 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज गिवेन एज 0.4 मीटर, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी बिकम 0.6 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 600 न्यूटन मीटर, तो ये इसका जो स्प्रिंग है इसका के इज इक्वल टू दिया गया है 600 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको दे दिया गया है। अटैच टू द एंड बी एज शोन इन फिगर, To keep the rod horizontal, its end A is tied with a thread such that the spring is elongated by 1 cm. So, इस स्प्रिंग में पहले से जो डेल्टा एक्स दिया गया है दैट इज 1 cm, याद रखना दिस इज सेंटीमीटर, और जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है दैट इज इन मीटर, तो सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड द फोर्स। ओके, कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ सपोर्ट पी वेन थ्रेड इज बर्न, तो हमें फाउंड आउट करना है कि इसे जब थ्रेड को बर्न करेंगे तो इस सपोर्ट के द्वारा कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया गया होगा। ओके, सो ये है हमारे पास क्वेश्चन। सो मान लीजिए कि इस सपोर्ट के द्वारा फोर्स जो लग रहा होगा डैट विल बी द, एक लग रहा होगा ऊपर के तरफ, लेट सपोज दिस इज एन वाई, और एक जो फोर्स लगेगा ये लगेगा इधर के तरफ, लेट सपोज दिस इज एन एक्स, तो दो सपोर्ट लगेगा है ना। यहां तक किसी को डाउट है? अब हमसे बोला जा रहा है कि जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, बर्न कर दिया गया, मतलब अब ये स्ट्रिंग है ही नहीं, तो जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को कट करेंगे
इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, करेक्ट। तो जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये स्प्रिंग फोर्स इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर सिंपल मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, अलग से FBD डायग्राम बनाऊं, तो ये आपका हो गया वो पॉइंट जहां पर एक लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स, दैट इज NY, है ना। और मान देखते हैं अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा तो वो ऑटोमेटिक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक लग जाएगा NX अलोंग द x डायरेक्शन, और इसका खुद का जो वेट है वो वेट नीचे की तरफ लगेगा mg एट द डिस्टेंस ऑफ L/2। तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, दैट इज 0.4, करेक्ट। हाँ, ये डिस्टेंस दिया गया है 0.4, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 0.6, और जो mg फोर्स लगेगा दैट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ L/2, दैट इज 0.5। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया गया होगा, ये तो स्प्रिंग इस पर वैसे भी फोर्स लगा रहा होगा कंटिन्यूअसली, कितना, दैट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा K×Δx के बराबर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है रिएक्शन फोर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ NY एंड NX। तो दो चीज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, अब सबसे पहले तो ये अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तो समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो NY NX, X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो NX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये जो NX है ये फालतू का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इस नॉर्मल फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है। अब बच गया NY। अब NY को कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इस पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, एक टॉर्क जनरेट करेंगे। तो जैसे ही ये टॉर्क जनरेट करेंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा इन एक्सेलरेशन एंड इन रिएक्शन फोर्स। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड आउट कर लें। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम वाई डायरेक्शन में वर्टिकली ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये पॉइंट पिवोट है तो इसके अबाउट ये क्या कर जाएगा, रोटेट करेगा। तो टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, लेट सपोज पी, तो टॉर्क अबाउट पी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस फोर्स के कारण NY के कारण जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क MG के वजह से आएगा वो कितना हो जाएगा, MG×0.5, इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। और इस KX के वजह से भी एक टॉर्क आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, K×Δx इनटू ये हो जाएगा 0.6, यहां पर 0.5 नहीं होगा, सॉरी 0.1 होगा। वही मुझे लगा, सो दिस विल बी 0.1। क्यों, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो ये इस पॉइंट से 0.5 है, तो ऑलरेडी ये ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस दिया गया 0.4, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बिकम 0.1। नाउ अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मास दिया गया है 2 kg, तो जी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 200×0.1 प्लस के का वैल्यू दिया गया है 600, और डेल्टा एक्स दिया गया है 1 cm, दैट विल बी द 1/100 m×0.6, करेक्ट। सो अच्छा, टॉर्क पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट I×α, यही लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी एंड अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास विल बिकम ML²/12 by parallel axis theorem, ML² by 12 plus MA²
ये हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। तो सबसे पहले आईपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आईपी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम इंटू, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दैट विल बी द 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर एम ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मास का वैल्यू 2, लेंथ का वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 इंटू 0.01, दैट विल बी डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 1/6, या 100 नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, प्लस 0.02। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.12 बिकम 1.12 डिवाइडेड बाई 6, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आईपी। करेक्ट, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है क्या यहां तक, यहां तक सब ओके चल रहा है? ओके शिवांगी, हाँ बोलो ना अदिति, कहां डाउट है अदिति, बोलिए। अच्छा अच्छा मुझे लगा सब चीज ठीक नहीं चल रहा है। ओके करेक्ट, सो ये हमें आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। अब ये आईपी का वैल्यू आ गया, ये सारा वैल्यू गिवन है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहां से 200 इंटू 0.1 विल बिकम 20 प्लस, यहां से आ गया 6 इंटू 0.6 विल बिकम 3.6 होल डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू है 1.12 डिवाइडेड बाई 6। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया वैल्यू कितना, 23.6 डिवाइडेड बाई 1.12 और ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। अब अल्फा इज इक्वल टू, अब हम लोग ए टेंजेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए रिजिड बॉडी है, तो यहां पर एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, यही होता है ना फॉर्मूला। रिजिड बॉडी में एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब हमें किसका एक्सेलरेशन चाहिए, ए सी एम का चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग अल्फा से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है, ये हमारा हो गया ये पोजिशन, तो इस पोजीशन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो दिस इज अबाउट, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से ये डिस्टेंस आर इंटू अल्फा कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा क्या, ए सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो ये करके देखते हैं, यहां से हम लोग निकालते हैं ए सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी द इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, R की जगह हो जाएगा 0.1 और अल्फा का वैल्यू ये दिया गया है 23.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.12, ये वैल्यू आ गया, करेक्ट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आया, अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, डैट विल बी द इक्वल टू द एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास। एफ नेट कैसे निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, करेक्ट। अब देखिए चूंकि इस डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन में अल्फा है, इस डायरेक्शन में रोटेशन है, अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो जो ए सेंटर ऑफ मास होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा ए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा ए टेंजेंट। जो ये हमने जो रिलेशन निकाला है ए सेंटर ऑफ मास का, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, दैट विल बी अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। सो एम जी प्लस के डेल्टा एक्स, एम जी
नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, के डेल्टा एफ माइनस एन वाई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास, मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन को हमें एम जी का वैल्यू पता है, के डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है, एम एस सी एम का मास पता है, ये वैल्यू हम लोग सब पुट कर देंगे, करस्पॉन्डिंग हमें एन वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कर सकते हैं, किसी को डाउट है इसमें? चलिए, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा इसमें, पर फिर भी हाँ ठीक है। तो एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डैट विल बी द इक्वल टू द 20 प्लस के डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डैट विल बी द इक्वल टू द 6 माइनस एम का वैल्यू लिख देंगे 2 और ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, डैट विल बी द 0.1 इंटू 23.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.12, इतना वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स वाई के बराबर। सो हियर इट विल बिकम 26 माइनस, इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू, ये हो जाएगा 2.36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.12। सो सॉल्व करके देखिए, शायद ये वैल्यू आ जाए 6 के बराबर, अप्रोक्सीमेट ये 6 का वैल्यू बराबर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व करके देखिएगा, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। एग्जैक्टली शायद मैच ना करे, आई बात समझ में, सबको क्लियर है? और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? हाँ बोलो, शुभांगी बोलिए, और कौन सा क्वेश्चन है? ओके क्लियर है, ठीक है, गुड। सो एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क में ये सब हो गए। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क में देखिए, दो दो तीन तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से बता देता हूँ। टॉर्क में सबसे पहले तो हो गया था आपका कॉन्स्टेंट मोशन, कॉन्स्टेंट मोशन में आपका एक इक्वेशन जो है वो हम लोग टॉर्क से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन, इन इक्विबिलियम कंडीशन, मैकेनिकल इक्विबिलियम का कंडीशन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि रिएक्शन फोर्स बताइए। मैकेनिकल इक्विबिलियम में आपको पूछा जा सकता है फाइंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, या आपसे पूछा जा सकता है टेंशन, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैकेनिकल इक्विबिलियम का कंडीशन दे दिया जाएगा, जहां पर आपको तीन इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा, समेशन ऑफ एफ ऑल इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से कुछ इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, एंड देन टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो जो अल्फा का वैल्यू आता है, अल्फा से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी द इक्वल्स टू द आर इंटू अल्फा, करेक्ट, जहां पर आर क्या होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, एंड देन एफ नेट इज इक्वल टू होना चाहिए मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो ये तीन चार इक्वेशन है जो इक्विबिलियम कंडीशन में आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द टेंशन और रिएक्शन फोर्स अगर पूछा जाए तो। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। तीसरा जो हो गया, आपसे पूछा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ टॉर्क वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है, जैसे वो रॉड था
रॉड को हम लोगों ने ऐसा ऐसा रखा था, इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, तो बताइए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को यूज करके हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टॉर्क के इस्तेमाल करके मिलेगा। इसके आगे जो अभी हम लोग को पढ़ना रह गया है, जहां पर वर्क इज इक्वल टू हो जाता है टाउ इंटू थीटा डी थीटा, है ना। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क जब टॉर्क लगाते हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा और पावर कितना लगेगा, है ना। तो दैट विल बी द टाउ इंटू ओमेगा। तो ये दो चीज रह गया है, ये चीज हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगा रोटेशन में तब। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। इस पर एक दो क्वेश्चन और करें क्या, एक दो क्वेश्चन और करें टॉर्क पे, कॉन्फिडेंस आया है आप लोगों को, टॉर्क पे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल, यहां पर एक है रॉड ऐसा जो कि हिंज किया गया है और ये एल शेप का है लाइक दिस, और इस एल शेप को एक स्ट्रिंग से बांधा गया है। सो ये जो रॉड है ये ए और बी, ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिकल एंड टोटल मास इज इक्वल टू 2m, है ना, एंड टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2l, वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एल, and this is hinged about this point O. Find tension in string. तो हमें बताना है कि इस string में tension कितना होगा। ये equilibrium condition है, correct? These all are in equilibrium condition. Whole system is in equilibrium. So once again, ये second type का question हो गया, जहां पर system क्या हो जाएगा, equilibrium condition में होगा। हमसे पूछा गया है कि ये जो string जो जुड़ा है इससे इसमें tension कितना होगा। Solve करिए फटाफट, answer बताइए। आपको मैं ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता हूं। ऑप्शन ए है mg/3, ऑप्शन बी है mg/4, ऑप्शन सी है mg, तो फटाफट आंसर बताइए। सिंपल है,
करिए सॉल्व। अदिति हो रहा है, शिवांगी आसान प्रॉब्लम है, यू हैव टू यूज द कंस्ट्रेंट मोशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करिए। सॉरी, हर बार आपको फिगर चेंज मिलेगा लेकिन मेथड एक ही है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो जो कंडीशन होता है दैट कंडीशन शुड बी अप्लाइड। क्वेश्चन आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो जाएगा क्या? आदित्य, हर्ष, साक्षी, लेखिका, सारिक, राशि, साक्षी, श्रेया, सुरुचि, श्वेता, तन्या, बताइए। लेखिका सॉल्व हो रहा है क्या? हिंट दू? ओके ओके, ट्राई करिए, सॉल्व हो जाना चाहिए, फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो आपको इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब दो तीन कंडीशन है, वो क्या है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, और सेकंड क्या है, जो टॉर्क होगा वो भी जीरो होना चाहिए। करेक्ट, देखते हैं। सबका मास m है, तो ये ब्लॉक का, इस रॉड का जो लेंथ है सेक्शन, इस सेक्शन का, इसका भी मास m होगा, लेंथ l होगा, और इसका भी क्या होगा, मास m होगा और लेंथ l होगा। अगर मान लीजिएगा हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका रॉड कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा, और एक इस पर फोर्स लगेगा इधर के तरफ टेंशन p, और यहां पर हिंज पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स लेट सपोज एन वाई, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेट सपोज एन एक्स, है ना। सो अगर इस पूरे बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है दैट मींस कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एफ वाई, अच्छा इसमें और चीज छूट गया, इसका खुद का एक एम जी नीचे की तरफ लगेगा और एक एम जी इसके सेंटर ऑफ मास से यहां पर लगेगा एम जी, करेक्ट। सो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, कंडीशन नंबर वन। तो एन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से कितना, टू एन जी के बराबर। ये किसके लिए हो गया, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, दैट मीन्स एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी। सो दिस विल बी इक्वेशन वन, दिस विल बी इक्वेशन टू, दो कंडीशन हो गया। इक्विलिब्रियम का तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो, वो पॉइंट ये हो सकता है, वो पॉइंट ये हो सकता है, वो पॉइंट ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, जो मर्जी आप ले लो, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट ओ पॉइंट को कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से मैक्सिमम अननोन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। एन एक्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एन वाई का टॉर्क जीरो हो जाएगा, अच्छा ये इस एम जी के वजह से भी क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो ओ से पास आउट हो रहा है, करेक्ट।
दैट मीन्स कि इसके वजह से भी जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल करके इक्वेट कर देते हैं, दैट इज टॉर्क अबाउट ओ विल बी जीरो। तभी जाकर के ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड करेगा, सही है ना। तो जब टॉर्क इज इक्वल टू वहां से जीरो करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करिए कितना आ जाता है। देखिए इन तीन फोर्सों की वजह से तो जीरो हो गया, इसके वजह से कितना आ जाएगा, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालिए और इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एल बाई टू। सो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, एम जी इंटू एल बाई टू, सही है। अच्छा इस टेंशन के वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालिए, ये कैसे आ गया ऐसा, दैट मींस कि इससे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एल। तो इसके वजह से जो टॉर्क आ जाएगा दैट विल बी, अच्छा इसके वजह से ये एम जी जो फोर्स है इसके वजह से जो रोटेशन होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज, और ये जो टॉर्क है ये इसको कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। So, mg into l by 2, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं तो t into l ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का होगा। तो यहां से हमारा वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाता है टी एल इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू, एल से एल सिन सिन, तो टी इज इक्वल टू आ गया एम जी बाई। तो पहला चीज कैलकुलेट हो गया, दैट इज टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई टू। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स बताइए कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा, रिएक्शन फोर्स कौन कौन सा है, एन एक्स एंड एन वाई, व्हाट आर रिएक्शन फोर्स। आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें, रूट अंडर 65 एम जी बाई टू, ऑप्शन देख के समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड दिया गया है 2 एम जी, थर्ड दिया गया है रूट 17 एम जी, एंड डी दिया गया है रूट 17 एम जी बाई टू। बताइए आंसर क्या होगा। ओके शुभांगी, बाकी लोग बता सकते हैं क्या, समझ में आ भी रहा है या फिर ज्यादा टफ जा रहा है। है जी, सो ऑप्शन आप लोग देख चुके हो, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एन एक्स। तो फर्स्ट विल बी एन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू, सही है। ओके एन वाई इज इक्वल टू ऑलरेडी आ गया अपने पास 2 एम जी, तो एन वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया है 2 एम जी। So, ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, देखिए ये इधर की तरफ लग रहा होगा एन एक्स और इधर की तरफ लग रहा होगा एन वाई। सो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। सो एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 एम जी का स्क्वायर प्लस एम जी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाता है रूट अंडर 17 एम जी बाई। सो ऑप्शन नंबर डी वाज करेक्ट। ये तो हो गया रिएक्शन फोर्स एंड टेंशन का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 3 बोलू क्या,
ओके ओके प्रियांशु आदित्य लेखिका क्या हो गया, सो गए क्या आप लोग? आदिति नो रिस्पॉन्स, समझ में नहीं आ रहा है जी, आ रहा है तो बोला करिए ना, या सर नो कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, जागते रहो। क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, क्वेश्चन नंबर थ्री ये है कि अगर स्ट्रिंग को कट कर देंगे, अगर स्ट्रिंग को कट कर देंगे, अच्छा स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर जाएगा इधर की तरफ, है ना। तो जब ये सिस्टम इधर मूव करेगा तो हमें बताना है कि ये जो रॉड है ए, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। फाइंड दैट वैल्यू थीटा, मतलब अगर इस रॉड को हम लोग छोड़ देंगे तो ये रॉड आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तब जाकर के ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। कुछ ऐसा ही होगा ना, कभी एल स्केल को ऐसे टांग के देखे हो तो ये ऐसा झूल जाएगा, है ना, और ये ऐसा बेंड हो जाता है। तो हमें बताना है कि बताइए ये एंगल थीटा कितना होगा, व्हाट विल बी दैट एंगल थीटा। समझ सकते हो क्या, हो जाएगा देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए है ना, पहले ये ऐसा खड़ा था, लेट सपोज दिस इज डिज रॉड एंड एल रॉड, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को हिंज कर दूंगा और यहां पर रस्सी से एक बांध के खींच के बांध दूं तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जैसे ही मैं रस्सी को काटूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये देख रहे हो ना, ये पोर्सन दिस पोर्सन, तो ये पोर्सन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये अपने को फाइंड आउट करना, कर सकते ना, दिस ऑल आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बताइए तो की कंसेप्ट, बताइए की कंसेप्ट पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा एक कंसेप्ट है, अगर वो कंसेप्ट पता चल गया तो ये क्वेश्चन एक मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ चलिए बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हाथ यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। अगर ये रॉड इस पोजीशन में होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, समवेयर हियर। इस सेंटर ऑफ मास का आप पोजीशन निकाल लीजिए, ये सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, जो भी यह सेंटर ऑफ मास है, जैसे ही ये स्ट्रिंग को कट करेंगे ये सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन में आ जाएगा ऐसा, और ये यहां कहीं इसी पॉइंट पर इसी लाइन पर लाई करेगा, डेट सेंटर ऑफ मास, तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम में आएगा, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से ही इसका टोटल मास 2 mg के बराबर फोर्स लगेगा, और इस 2 mg के वजह से नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो। क्यों, क्योंकि इसका एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ये इसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा भी इधर उधर हुआ देन इसके वजह से एक ऑफसेट टॉर्क आने लगेगा, ये फिर वापस रोटेट कर देगा, अगर इधर गया तो वापस इधर से रोटेट होकर के इधर आ जाएगा, इधर आया तो इधर आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास ये शिफ्ट नहीं करना चाहिए, ये कहां आएगा, दैट विल लाई इन द लाइन ऑफ दिस हिंज पॉइंट। आगे बात समझ में, तो यही है इस क्वेश्चन का की पॉइंट, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी द लाइन इन दिस लाइन, सो दैट कि इसके वजह से जो टॉर्क हो जाए वो जीरो। जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। एम आई करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि बताइए इसका
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड आउट करके बताइए मुझे फटाफट जल्दी. व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करिए. कंसीडर दिस पॉइंट एज ए ओरिजिन. तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा? वैसे ओरिजिन हम लोग कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा ओरिजिन हो सकता है, बट दैट विल बी द इजी वन. वहां से करेंगे, वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो इस पॉइंट के अबाउट आप निकालिए इसका सेंटर ऑफ मास. निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास भूल गए हैं, बहुत अच्छी बात है. सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ हाँ निकालिए निकालिए. हो जाएगा कैलकुलेट. चलिए मैं ही बता देता हूं. एल बाई फोर इतना आ गया कैसे? रूट क्यों? ये हमारे पास ओरिजिन है, दो मास सिस्टम है, है दो मास सिस्टम कैसा है? एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यही तो है. सो ये मास का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, करेक्ट. ये अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं तो यहां पर ये मास हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डैट विल बी द इक्वल टू द एल बाई टू. सही है ना? हाँ ये ठीक है. एल बाई फोर आई कैप प्लस जे कैप, यस करेक्ट. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L बाई टू और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर हो जाएगा L बाई टू. ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डैट विल बी द L बाई टू. ओके, तो ये जो वैल्यू आ गया इसमें जो L बाई टू का जो वैल्यू आएगा तो y डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा L बाई टू कॉमा जीरो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा L बाई टू. तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना हो जाता है? That is, x center of mass is equal to हो जाएगा m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2. यही तो फॉर्मूला होता है, सही है ना? So अगर मैं इसका ये वाले रॉड को मैं वन मान लू और ये रॉड को मैं टू मान लू तो m1 into x1, x1 कितना है? जीरो. So इसके वजह से ये वाला वैल्यू हो जाएगा जीरो. तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले पॉइंट की वजह से आएगा. दैट विल बी द x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो प्लस m इनटू l बाई टू डिवाइडेड बाई टू m. m प्लस m बिकम टू m विल बिकम l बाई फोर. सिमिलरली x y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 इनटू y1 प्लस m2 इनटू y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, सो m1 प्लस m2 ये यहां पर भी क्या हो जाएगा? देखिए अगर ये रॉड नंबर वन है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? l बाई टू. ये तो हो जाएगा m इंटू एल बाई टू, लेकिन जो सेकेंड है इसका y कोऑर्डिनेट है जीरो. तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा टू m. तो यहां से भी वैल्यू आ जाएगा l बाई फोर. दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से ये डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास का आने वाला है, ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस आएगा ये हो जाएगा L बाई फोर और ये भी हो जाएगा L बाई फोर, करेक्ट.
सो ये जो ओरिजिन है इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3L/4। अब जब ये इस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा तो इस ओरिजिन से L बाई फोर डिस्टेंस पर ये होगा ऐसा, और L बाई फोर इधर होगा, तो दिस विल बिकम व्हाट, L बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा 3L/4। और सिमिलरली ये भी जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना हो जाएगा L/4, बिकॉज इस ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा L/4। नाउ अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ट्रेंगल है, ये वाला, ये ट्रेंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट कितना हो जाएगा L/4, और एडजेसेंट साइड कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 3L/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 कैंसिल, एल एल कैंसिल, यहां से आ जाएगा 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, करेक्ट। किसी को डाउट, कुछ पूछना है इसमें, कैसे हो गया, क्या हो गया? कोई नहीं बोल रहा है, सब साइलेंट मोड में चले गए। ओके ठीक है, ठीक है सर। तो ये सब इतने सारे क्वेश्चंस हो गए टॉर्क के ऊपर मेरे हिसाब से, और मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग होमवर्क करिएगा, तो क्वेश्चन टॉर्क पे और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगा। रोटेशन में बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन मेनली जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, वो जो क्वेश्चन आया है वो 3 सेक्शन से सबसे ज्यादा आया। एक तो आया है, 3 नहीं 4 बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड आ जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम से, तो एंगुलर मोमेंटम ये अभी पढ़ाया नहीं हूं, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम से। एंड देन इसके बाद आपका टॉपिक जो पूछा जाता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी मैंने अभी आपको नहीं बताया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड देन इसके बाद आ जाता है रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। सो यहां से ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है बिकॉज ये सब देखिए बहुत ज्यादा, अंकित प्रणाम, गुड मॉर्निंग, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जनरली ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सो जो टॉर्क का था ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन मैंने कराया कि ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, क्वेश्चन अगर बनने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऐसा होता है या इस तरह से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। दैट डजंट मीन कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इतना कैलकुलेटिव, और इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता भी है तो आप मेरा यकीन मानिए मैं होऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम अगर मुझसे लेगा तो इतना क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसके जगह पर 2-3 क्वेश्चन अलग से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि इसके एक क्वेश्चन के टाइम में मुझसे 3 क्वेश्चन दूसरे हो जाए, करेक्ट। सो हमें जो मेनली ध्यान देना है वो इस पोर्शन पर ध्यान देना है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया ये आप लोग बता सकते हैं, नहीं आया तो क्वेश्चंस और भी सेंड करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, और कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं आप लोगों को होमवर्क और सेंड करता हूँ, और आप लोग क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है. सो क्वेश्चन और कुछ पूछना है, कोई डाउट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा. देखिए रोटेशन बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा रेंज है इसका, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो रेंज है क्वेश्चन का वो किस रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है ना. वैसे इसका अनडिफाइंड रेंज है, किसी भी रेंज में जाकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है. तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए. अगर आपके पास एररलेस है तो एररलेस से देखिए. जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा रोटेशन का. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन लोग. नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम ये स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे. तो चलिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ, बाय बाय. अंकित क्वेश्चन का पैटर्न देखिए. हाँ, जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है उसमें मैंने यही देखा कि जो मोस्टली क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए, इन चार टॉपिक से रोटेशन में. तो ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन रोटेशन, करेक्ट. बाकी तो अगर इसमें जितना आप मिक्स कर सकते हो करिए. फ्लूइड मैकेनिक्स भी मिक्स किया जा सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी रोटेशनल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना. आपका पूरा कंस्ट्रेंट मोशन जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हो वो सब के सब इसमें क्वेश्चन पुट किया जा सकते हैं इन रोटेशन. तो जितना क्वेश्चन बनाना चाहे बना सकते हैं, पर अननेसेसरी वो क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा है नहीं, करेक्ट. आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे कि अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बाई चांस पूछ दिया तो वो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए. जैसे जो अभी जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन आसान था, पहला दो क्वेश्चन कितना आसान था. ऐसा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूट जाए अगर पूछ भी दिया तो. एक्सेप्शनल एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. तो बी प्रिपेयर्ड कि उसके लिए भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी तक का ट्रेंड है वो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन फ्रॉम रोटेशन, करेक्ट. सो नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम तैयारी करके आइएगा. क्वेश्चन सेंड करता हूँ, सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद ग्रुप पर भेजिए ताकि पता चले कि कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. बाय बाय.